हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स, जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट किया था, और इसका पार्ट 9 है, जिसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी। यानी कि हमें कोई नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन होगा, और हमें उसको कन्वर्ट करना होगा टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो देखते हैं हम ये किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स है, ये थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू आपके बाकी सारे कन्वर्शन, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सिंपल एक बेसिक स्टेप ये है कि टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, हमें क्या करना होगा कि हर एक हेक्स डिजिट को कन्वर्ट करना होगा टू इट्स 3-बिट बाइनरी कोड। यानी कि हमें जो ऑक्टल का नंबर जो गिवन होगा, उसको हमें बेसिकली कन्वर्ट करना होगा टू इट्स 3-बिट बाइनरी कोड। तो ये किस तरह से हम करते हैं वो हम अभी समझ जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो 3-बिट का मतलब क्या है, बेसिकली इसके अंदर 3 बिट्स होंगे, जैसे कि 000 हो सकता है, 001, 100, इस तरह के कोई भी डिजिट्स जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमें वो जो गिवन नंबर होगा उसको हमें कन्वर्ट करना होगा टू इट्स 3-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 523। सो ये जो नंबर है वो हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में गिवन है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप है कि 523 ये जो नंबर है उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक डिजिट को हमें उसके बाइनरी 3-बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली ये किस तरह से करता है ये समझ लेते हैं। अभी ये जो 5 है वो आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 5 किस तरह से लिखते हैं। बेसिकली आपको 8421 नंबर सिस्टम पता ही होगा, 8421 ये बेसिकली बाइनरी का नंबर सिस्टम है, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली 2:0, 2:1, 2:2 और 2:3 को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी हम इस तरह से कंटिन्यू करते हैं फर्दर। सो अब ये जो 5 है उसका मतलब क्या है कि 4+1 5 होता है, तो 4 और 1 के नीचे 11 आएगा और ये 0। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अपना 5 डिजिट। सो ये जो 5 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 101, यानी कि बाइनरी में जो 5 हम लिखते हैं उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 को हम लिखेंगे 101। इसी तरह से सिमिलरली हम 2 को भी कन्वर्ट करेंगे टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। सो 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 2 का मतलब है कि 2 के नीचे 1 आएगा और बाकी सब जगह 0। तो जस्ट बिकॉज हमें 3-बिट चाहिए तो उसके आगे और पीछे दोनों ही जगह पर 0 आ जाएगा। सो इस तरह से 010 इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 को। सो ये जो हमारा 5 हमने ऐसे लिखा था, अभी 2 को हम लिखेंगे 10। बेसिकली 10 हम लिखते हैं 2 को, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें 3 बिट्स चाहिए इसलिए हम यहाँ पर 0 डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 010 यहाँ पर लिख देंगे 2 के नीचे 010। इसी तरह से 3 को भी हमें कन्वर्ट करना है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 2+1। सो 1 के नीचे 1 आएगा और 2 के नीचे भी 1 आएगा और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट है 3 के। सो 011 हम यहाँ पर लिख देंगे 011। सो दैट्स इट, हमने अभी कन्वर्ट कर लिया है अपना जो नंबर था टू इट्स ऑक्टल टू बाइनरी का नंबर सिस्टम। फाइनल आंसर हमें नहीं भूलना लिखना है, वो इस तरह से होगा कि 523 ये जो गिवन है ऑक्टल में, इट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर मैं उसका आंसर नीचे लिख रही हूँ, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 101, 010 और फिर 011 बाइनरी में। सो बेसिकली हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर दिया है इसे, जिसमें हमने कन्वर्ट किया है ऑक्टल टू बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर अच्छे से 3-बिट का सेग्रीगेशन बताना है कि ये फर्स्ट 3rd बिट है, ये सेकेंड 3rd बिट है, और ये 3rd बिट है। सो इस तरह से आपको सिंपली बताना है। आई होप कि आपको ये समझा होगा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। बस आपको ये जो गिवन नंबर है उसको कन्वर्ट करना है टू इट्स 3-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। सो आपको जो है वो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए। सो ट्रिक ये है कि आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन होगा, ऑक्टल जो कि होगा 8 में, और आपको कन्वर्ट करना है टू इट्स बाइनरी, यानी कि 0-1 वगैरह के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और वो 3-बिट होना चाहिए। सो बेसिकली 3-बिट
आप किस तरह से याद रखोगे ऑक्टल टू बाइनरी के टाइम, आप देख सकते हैं कि आपके ऑक्टल में ही गिवन है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन में जो है वो आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा और यहाँ पर ऑक्टल होगा, सो आपको ये 8 देखकर ही समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 3 छिपा हुआ है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कितने डिजिट्स में इसको ब्रेक डाउन करना है, बस आपके ऑक्टल के 8 में ही ये गिवन है कि आपको जो नंबर गिवन होगा उसको 3-बिट बाइनरी इक्वलेंट में कन्वर्ट करना है। सो आई होप कि आपको ये समझा होगा, ट्रिक आपको बहुत काम आएगी एग्जाम के दौरान। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 2 जिसमें हमें कन्वर्ट करना, ये फ्रैक्शनल है और आपको एग्जाम में कोई भी तरह का पूछ सकते हैं, नॉर्मल और फ्रैक्शनल। सो देखते हैं ये किस तरह से कर सकते हैं। 704.01 ये हमें गिवन है ऑक्टल में, हमें इसको कन्वर्ट करना है टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप सेम होगा, जो अपना नंबर है वो एज इट इज लिखना है 704.01, ये एज इट इज हमें लिख देना है। और बाकी के सारे कन्वर्जन में हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली हम रेस टू 2, रेस टू 8, रेस टू 16 या फिर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 16, डिवाइड बाई 3, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। बस सिंपल स्टेप हमें फॉलो करना है कि हमें गिवन नंबर को 3-बिट बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सेम स्टेप है, सेम हम यहाँ पर लिख देंगे। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर को टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर जैसे ये 7 है, हम पहले कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली 4-2-1 वाले नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 7 का मतलब होता है 4+1, 2+1, सो 4+2, 6+1, 7 होता है। तो 7 हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ 111, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 111। 0 का मतलब सिंपली है कि 000 हो जाएगा, तो हम 000 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में ये 4 है, तो 4 का मतलब क्या होता है 4 और फिर बाकी सारे जगह पर 00। सो ये बेसिकली हमारा 4 का हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 100, तो 4 के नीचे 100 लिख देंगे। फिर पॉइंट को हमें कैरी फॉरवर्ड करना ना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत बार हम ये करते हैं कि पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं और फाइनल आंसर हमारा पूरा गलत हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके बाद अभी ये जो 0 है उसको सेम हमें ऐसे ही लिख देना है 000, जस्ट बिकॉज हमें 3-बिट में करना है इसलिए उसको 3 बार हम लिख रहे हैं। हालांकि उसकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, चाहे हम 1 बार 0 लिखे, 2 बार 0 लिखे या 4 बार 1000 बार 0 लिखे, सेम ही होगा। जस्ट बिकॉज हमें 3-बिट में कन्वर्ट करना है, सारे डिजिट्स को हम 3 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें 1, तो 1 का मतलब होता है 1, बट हमें जस्ट बिकॉज 3 डिजिट्स में उसको करना है, तो यहाँ पर हम 00 ऐड कर देंगे, तो ये 001 हो जाएगा। तो 1 के नीचे हम लिखेंगे 001 एंड दैट्स ऑल, वी आर डन विद इट। हमने कन्वर्ट किया है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है कि 704.01 इज इक्वल टू 111000100.000001 इन बाइनरी डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम। सो कुछ इस तरह से हमें इसका कन्वर्शन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो आपको जस्ट हैशटैग यूज करके 2 सम सॉल्व करने हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, और आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। और अगर आप सही आंसर बताते हैं तो आपको अपकमिंग वीडियोस में शाउट आउट मिलेगा। सो फर्स्ट है 6437 ऑक्टल टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, और सेकेंड क्वेश्चन है 6455.73 टूवर्ड्स बाइनरी इक्विवेलेंट। सो आपको ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट्स में आपके आंसर्स बताने हैं। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।